दोस्तों, राजन नाम का एक व्यक्ति किसी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह खेत में बहुत ही परिश्रम से काम किया करता, पर पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता था, जिसके कारण वह अक्सर उदास ही रहता। एक दिन उसका दोस्त रवि उससे मिलने आया। क्या बात है राजन, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा क्यों कहते हो? मुझे बताओ क्या हुआ? क्यों न कहूँ मैं ऐसा? मैं चाहे जितना भी परिश्रम कर लूँ, मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो तुम शहर जाकर कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते? पर उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं हूँ ना, मैं दूंगा पैसे। तुम बस शहर जाओ और अपना काम शुरू करो। क्या सच में? शुक्रिया रवि, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, तुम कल मेरे घर आओ, मैं तुम्हें वही 10,000 दूंगा। और वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। हीना, तुम कहाँ हो? मैं यहीं पर हूँ, कहिए क्या कह रहे थे? मैं सोच रहा था कि मैं शहर जाकर कोई अच्छा सा काम करूं। पर यह सब अचानक क्यों? क्योंकि यहाँ इतना परिश्रम करने के बाद भी मैं अपने घर के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता, और शायद मैं शहर में अच्छे पैसे कमा पाऊँ। हाँ, यह एक अच्छी तरकीब है, लेकिन मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। पहले मैं शहर जाकर देखता हूँ कि काम अच्छा है या नहीं, उसके बाद मैं तुम्हें भी बुला लूँगा। पर आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना। अगली सुबह राजन अपने दोस्त रवि के घर जाता है और पैसे ले लेता है, और रवि को अलविदा कहकर बस में बैठकर शहर चला जाता है। राजन की बस एक बैंक के पास रुकती है और शहर की चमक धमक देखकर राजन हैरान था। पास में उसे एक चाय की दुकान दिखी। लोगों को चाय पीता देखकर उसका मन भी चाय पीने को हुआ और वह वहाँ चला गया। अरे भाई, एक कप चाय कितने की दे रहे हो? लगता है तुम इस शहर में नए हो, एक कप 10 रुपए की है। कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। चाय पीने के बाद राजन कोई ठहरने की जगह के बारे में पूछता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, जब तक कि तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता। धन्यवाद भाई। चाय वाला राजन को अपने घर ले जाता है। दोनों रात का खाना खा कर सो जाते हैं। अगली सुबह चाय वाला अपने काम पे चला जाता है और शाम को कुछ खाने का सामान के कर वापस आता है। भाई, मैं भी इस शहर में कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगा, पर तुम क्या काम करने वाले हो? मैंने ठीक से सोचा नहीं है, पर मैं भी तुम्हारी तरह चाय बेचना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, क्यों न तुम मेरे साथ ही चाय बेचो? नहीं नहीं, धन्यवाद भाई, मैंने तुम्हें पहले ही काफी परेशानी दी है, अब और नहीं। अच्छा, तुम्हें याद है वो बैंक जहाँ तुम अपनी बस से उतरे थे? वहाँ पर कोई चाय बेचने वाला नहीं है, तुम वहाँ अपना काम शुरू कर सकते हो। इसमें कितना खर्च होगा? इसमें लगभग 5,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि शुरू में काफी सामान लेने होंगे और एक ठेला भी लेना होगा। हम लोग कल जाकर सारी चीजें ले लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो, तुम मेरे लिए भगवान के समान हो। चलो अब खाना खा लेते हैं। दोनों रात का खाना खा कर सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों ठेला लेने जाते हैं और बाकी जरूरत का सामान भी खरीदते हैं। भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है, क्या तुम भी इस शहर में कभी काम के लिए आए थे? हाँ, जब मैं इस शहर में नया नया आया था तो किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं काफी बार आस पर रहा, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। और जब कल मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ।
नहीं नहीं उदास मत हो भाई, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब से मेरा परिवार तुम्हारा भी परिवार है और तुम अकेले नहीं हो। यह बात सुनकर चायवाले को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन चायवाला राजन के काम में उसकी सहायता करता है और सभी को उसकी चाय बहुत पसंद आती है। सभी को तुम्हारी बनाई चाय बहुत पसंद आ रही है। सच में? तुम भी पी कर देखो ना कैसा है। यह तो लाजवाब है। चलो अब बैंक के पास चाय बेचते हैं। फिर दोनों बैंक जाकर वहाँ चाय बेचते हैं। पूरी चाय बेचने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। क्यों ना अब हम चाय के साथ साथ कुछ नमकीन भी बेचे, इससे हमें और भी फायदा होगा। हाँ, यह एक अच्छी तरकीब है। घर जाकर दोनों पैसे गिनते हैं। आज हमने 1,000 रुपए के सामान खरीदे और हमने 5,000 रुपए कमाए। इनमें से तुम 2,000 रुपए रख लो और बाकी पैसे से हम कल का सामान खरीदेंगे। दोनों रात का खाना खा कर सो जाते हैं और अगली सुबह दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राजन का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, उसके सारे ग्राहक उससे खुश थे। 15 दिनों के बाद चायवाला राजन के लिए एक नया घर ढूंढ देता है। फिर राजन अपने परिवार से मिलने अपने गांव चला जाता है। हीना उसे देखकर बहुत ही खुश थी और काम के बारे में पूछती है। हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अब मैं जरा रवि से मिलकर आता हूँ। फिर राजन अपने दोस्त रवि से मिलने जाता है। मेरे दोस्त रवि, कहाँ हो तुम? अरे राजन, तुम कब आए? मैं अभी अभी ही आया हूँ। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं इस काबिल नहीं बन पाता। मैंने वही किया जो एक अच्छे दोस्त को करना चाहिए। और वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और राजन अपनी पत्नी के साथ वापस शहर चला जाता है। अब राजन की पत्नी हीना भी उसके काम में मदद करने लगी। समय के साथ राजन एक सफल आदमी बन गया और फिर चायवाला भी उसके साथ बिल्कुल एक परिवार की तरह रहने लगा।